क्या आप भी एलोन मस्क के दीवाने हैं या एलोन मस्क से नफरत करते हैं? तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और देखने के बाद साबित करते हैं कि एलोन मस्क कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। अमेरिका के टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ न कुछ रीट्वीट करते रहते हैं। हाल में एलोन मस्क ने एक बार फिर अपने पब्बी शिवा इनू क्वाइन का फोटो रीट्वीट की है। टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क के इस फोटो को ट्वीट करते ही डोज क्वाइन और कई अन्य क्रिप्टो क्वाइन के भाव में जबरदस्त तेजी आई है। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क पहले भी इस तरह के काम करते आ रहे हैं। दोस्तों, अब जो मैं आप लोगों को जानकारी बताने जा रहा हूँ, इस जानकारी से शायद आप अनजान होंगे। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क एक बार अपने पैसे का कुछ हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। शायद ये बात आप सबको पता होगा, नहीं पता तो पूरी सच्चाई जान लीजिए। जैसे ही वह बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट किए, बिटकॉइन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई और इतना तेज़ी आई कि बिटकॉइन की कीमत 41 लाख से भी ऊपर चली गई थी। और जैसे ही 41 लाख से ऊपर बिटकॉइन जाने लगा, तो एलोन मस्क ने अपना सारा पैसा जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, वह सारा पैसा उन्होंने निकाल लिया, यानी अपना बिटकॉइन बेच दिया। और जैसे ही अपना बिटकॉइन बेचा, बिटकॉइन धड़ाम से गिर गया। यानी उनके बिटकॉइन बेचने के कुछ दिन बाद बिटकॉइन में 40% तक की गिरावट देखने को मिली। मतलब एलोन मस्क जब बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे, तो एलोन मस्क को देखते हुए जितने लोग बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, वे लोग बैठकर रोने लगे। मतलब आप लोग इस बात से क्या सीखें, मतलब एलोन मस्क इतने चालाक पर्सन हैं कि खुद बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया ताकि लोग इन्वेस्ट करें, और जब लोगों ने इन्वेस्ट किया तो लोगों का ही पैसा जब बिटकॉइन में गया, तो बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी हाई हो गया। और बिटकॉइन का प्राइस जैसे ही हाई हुआ, तो एलोन मस्क ने सारा अपना बिटकॉइन बेच दिया, यानी कि पब्लिक का पैसा ही एलोन मस्क के जेब में गया। दोस्तों, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन यह 100% सच है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बस अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के रिट्वीट करने से, किसी के कहने से अपना पैसा किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट न करें। ऐसा करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें। कोई कितना भी फेमस पर्सन है, उसके कहने से आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। पहले आप उस फील्ड में अच्छे से जानकारी लें, रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। हमें गलत कमेंट करने वाले गलत कमेंट कर सकते हैं, अच्छे कमेंट करने वाले अच्छे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।